नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थावनेस बाबा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ, अरे भाई मुझे जान के क्या करोगे, जानना है तो इस चैनल को जानो कि थावनेस बाबा क्या चीज है। और ये जानने के लिए आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अरे वाह, बहुत ही जल्द अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर बेल आइकन को ना दबाया तो हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको कैसे देखने मिलेंगे। रुपया ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखे और हमारा मनोबल बनाए रखे। मैं बहुत बार असफल हुआ हूँ, पर इसीलिए मैं आज सफल हूँ, यह कहना है। विश्व भर में अपने खेल के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन का। जी हाँ, ये वही माइकल जॉर्डन है जो बास्केटबॉल के सबसे बड़े एवं मशहूर खिलाड़ी है। लेकिन माइकल के यहाँ तक पहुँचने का सफ़र इतना आसान नहीं था। माइकल ने एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्म लिया था, लेकिन माइकल हमेशा से ही कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे उनकी गरीबी दूर हो सके। माइकल जॉर्डन का जन्म 17 फरवरी 1963 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था। माइकल अपने माता पिता की 5 संतानों में से चौथे नंबर पर थे। माइकल के 2 बड़े भाई, 1 बड़ी बहन और 1 छोटी बहन थी। माइकल ने खेलों की शुरुआती शिक्षा विम्बलिंगटन के एम्सली एलेनी नामक स्कूल में हुई, जिनमें बेसबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल थे। वहीं से माइकल के खेल जीवन की शुरुआत होती है, जिसके बाद भी माइकल ने अपना खेल जारी रखा और कॉलेज में भी बास्केटबॉल टीम के लिए कोशिश की, लेकिन उस समय वे सफल नहीं हो पाए। इसके बाद माइकल ने जूनियर विश्वविद्यालय के लिए खेलकर नाम रोशन किया और बहुत ही कड़ी मेहनत की। माइकल ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के जरिए दुनिया भर में बहुत नाम कमाया। माइकल के खेल करियर में एक वक्त ऐसा भी था जब माइकल ने बास्केटबॉल से हटकर बेसबॉल में रुचि दिखाई, लेकिन फिर उन्होंने बास्केटबॉल को ही अपने व्यावसायिक खेल के तौर पर आगे बढ़ाया। 1997-98 में माइकल ने अपने खेल से संन्यास ले लिया। उसके बाद भी वे वॉशिंगटन विजार्ड टीम के ऑनर रहे, लेकिन ज़्यादा समय तक माइकल अपने आप को बास्केटबॉल से दूर नहीं रख पाए। 2001 में उन्होंने फिर से वॉशिंगटन विजार्ड के लिए खेलना शुरू किया और लगातार 2 साल तक फिर इस टीम का हिस्सा रहे। अंत में 2003 में माइकल ने खेल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। माइकल एक खिलाड़ी तो है ही, साथ ही वे एक सफल उद्यमी भी है। वे चार्लोट बॉबकट्स नामक कंपनी के मालिक भी है। माइकल ने 2 शादियाँ की। माइकल ने पहली शादी सितंबर 1989 में की। उनकी पहली पत्नी का नाम जुवानिता वनोय था। माइकल और जुवानिता के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 लड़के मार्क्स जेम्स और जेफरी माइकल एवं एक लड़की जस्मिन है, जिनके साथ उनका वैवाहिक जीवन 17 साल चला और 2006 में उनका तलाक हो गया। माइकल ने जुवानिता को तलाक के बदले 1618 करोड़ डॉलर की राशि देनी पड़ी थी, जो सन 2006 तक का सबसे बड़ा तलाक खर्जाना था। माइकल ने दूसरी शादी 27 अप्रैल 2013 को क्यूबाई मॉडल येवती प्रीतो से की। माइकल जॉर्डन ना सिर्फ एक उम्दा खिलाड़ी थे, बल्कि उन्होंने बास्केटबॉल को अपने प्रदर्शन एवं खेल के द्वारा विश्व भर में विख्यात कर दिया। माइकल ने अपने खेल के करियर में बहुत सारे खिताब जीते हैं, लेकिन वे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रशंसकों का भी पूरा प्यार जीता है। यही वजह है कि माइकल का नाम दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली सेलिब्रिटी में आता है। साल 2009 से 10 के बीच में माइकल की कुल कमाई $55 मिलियन थी। माइकल का नाम आज भी दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर खिलाड़ियों में शामिल है। खेल जगत से रिटायरमेंट लेने के बाद भी $100 मिलियन सालाना कमाई है माइकल की। माइकल एक अच्छे खिलाड़ी तो है ही, साथ ही वे एक बहुत ही अच्छे इंसान भी है। वॉशिंगटन विजार्ड की टीम में खेलकर उन्हें जो पहली सैलरी मिली थी, उन्होंने उसे 9/11 के आतंकी हमले में मरे गए लोगों के परिवार वालों को डोनेट कर दी। माइकल जॉर्डन हमेशा 23 नंबर की जर्सी पहनकर ही खेलते थे, जिसके कारण प्रशंसकों के बीच में उनकी एक अलग ही पहचान थी। लेकिन 1990 में माइकल की ये पॉपुलर जर्सी चोरी हो गई, जिससे माइकल बहुत नाराज थे। माइकल जॉर्डन उन चुनिंदा लोगों में से है जो जन्म तो किसी एक गांव या शहर में लेते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और परिश्रम के जरिए पूरे विश्व भर में अपनी छाप छोड़ते हैं।
आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है, तो हमारी मेहनत को नाकाम ना करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में बताएं। फिर से एक बार आपका धन्यवाद। जय हिंद।